subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एंड एज यू नो दिस इज हमाद वंस अगेन फॉर योर हेल्प। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैंने आज दो ऐसे क्वेश्चन को कवर किया हूँ जो केवल 12वीं के एग्जाम में ही नहीं पूछे जाते बल्कि हर एग्जाम में आते हैं। ये दो ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा लोगों को कन्फ्यूज करते हैं किस तरह के इसका आंसर होगा। तो उसके लिए हमारे साथ बने रहे, पूरी वीडियो को देखे, बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखे ताकि आपको पूरी तरह समझ में आएगा, क्योंकि मैं इस दो क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ इसमें समझाने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए। तो चलते शुरू करते हैं, कौन दो क्वेश्चन है इसके लिए। पहला जो क्वेश्चन है वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, इसका जो आंसर जो है वो हो गए सी राजगोपालाचार्य। अब ये सुन के आपको लॉर्ड माउंटबेटन का भी याद आता होगा, लेकिन वो भी बात सही है क्योंकि जो यहाँ पूछा था वो भारतीय के बारे में ही है। मतलब सीराज गोपालाचारी जो भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ये लगभग 1948 को बने थे। ये क्वेश्चन हमेशा कन्फ्यूज करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन और सीराज गोपालाचारी में। तो सीराज गोपालाचारी आपका जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो कौन जाएगा, सीराज गोपालाचारी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो भी है सेम है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये भी आपका जाएगा सीराज गोपालाचारी। हुआ था ये 1950 में इसकी जो पद हुई थी गवर्नर जनरल की, यह समाप्त हो गई थी और उसके बाद क्या कहते हैं गवर्नर जनरल का पद रहा ही नहीं। तो इसलिए अंतिम जो हुआ वही सीराज गोपालाचार्य रह गया और जो पहला रहा तो वही सीराज गोपालाचार्य रह गया, क्योंकि स्वतंत्र भारत 1947 को हुआ था, उसके बाद क्या कहते हैं 50 तक ही गवर्नर जनरल के पद रहा, उसके बाद समाप्त कर दी गई इसको। तो इसलिए पहला जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल है वो भारतीय सीराज गोपालाचार्य हो जाएगा और अंतिम भी वही हो जाएगा। उसी का सेम जो कन्फ्यूज वाला जो क्वेश्चन है वो अलग ये है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये आ जाएगा आपके ब्रिटिश में, ब्रिटेन में जो आता है भारत जो आज़ाद हुई थी जिस समय, तो आज़ाद होने के बाद ही जो ब्रिटेन का जो ये था क्या कहते हैं गवर्नर जनरल, वह लॉर्ड माउंटबेटन था, जो था 1947 को। तो इसमें इस स्थिति में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो यह आ जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद अंतिम जो रहेंगे कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश में, तो ये आ जाएगा आपका भी लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि इसके बाद जो आया था वो सीराज गोपालाचारी आ गया था। अंतिम ही ब्रिटेन में अंतिम ब्रिटेन का जो अंतिम रह जाएगा वो भी हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन, और क्या कहते हैं ब्रिटेन का शुरू वाला जो होगा प्रथम, तो वो भी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये इस क्वेश्चन ऐसे है जो हमेशा कन्फ्यूज करते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे या फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको क्वेश्चन किस तरह पूछाएगा वो क्वेश्चन यहाँ देखिए नीचे में रहेगा। इसलिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, अब यहाँ पे आपको न भारतीय पूछेगा न ब्रिटेन पूछेगा, आपको सिर्फ डायरेक्ट पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इस स्थिति में आपको देना है लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि 1947 को भारत आजाद हुआ था तो उसी समय जो हो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन ही था। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भारतीय पूछा ना इंग्लैंड मतलब ब्रिटिश पूछा, कोई चीज़ नहीं पूछा, तो इसलिए आपको लॉर्ड माउंटबेटन ही देना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका जो है सीराज गोपालाचार्य, क्योंकि सीराज गोपालाचार्य के बाद कोई अंतिम बना ही नहीं था। तो अंतिम में आपको न अगर नहीं पूछता कि भारतीय का या फिर क्या कहते हैं इंग्लैंड का या ब्रिटिश का, इस तरह नहीं पूछता है, सिर्फ आपको पूछता है कि भारत स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तब अब उस स्थिति में आपको देना होगा सीराज गोपालाचार्य। प्रथम कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम कौन थे तो सीराज गोपालाचार्य। अगर पूछा प्रथम भारतीय कौन थे तो आ जाएगा सीराज गोपालाचार्य, प्रथम ब्रिटिश कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन, प्रथम क्या अंतिम भारतीय कौन थे सीराज गोपालाचार्य, अंतिम ब्रिटिश कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें। अगर मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो हम कमेंट में यस लिखें। और आज के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कि इसका आंसर कौन कौन दे पाता है। तो क्वेश्चन ये है कि भारत में गवर्नर जनरल पद की शुरुआत कब हुई, मतलब गवर्नर जनरल की जो पद हुई वो कितनी ईस्वी को शुरू हुई। कमेंट में बताइए, आपको इसमें से देखा जाएगा कि कौन कौन बच्चे जो है इसमें जानते हैं नहीं जानते हैं, उस फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन इसका आंसर सही दिया है। तो चलते यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।